India and hello Dubai. भाई बोलिए चंडीला डम ला. Hello Dubai, hello Dubai. After Dubai. Goodbye Dubai, goodbye Dubai, and hello Toronto. Toronto, hello. Goodbye Toronto and hello. हेलो प्यारे दोस्तों, तो समय आ गया है इंडिया से विदा लेने का और हम जाने वाले हैं दुबई एक बार फिर से, क्योंकि दुबई से ही हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और हम नई जो चीज़ें हम लास्ट ट्रिप में नहीं कर पाए थे वो इस बार कर लेंगे. अगर आपने मेरे लास्ट वाले दुबई व्लॉग नहीं देखे उनको मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई जाने के लिए तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उससे आपको आइडिया मिल जाएगा. सो हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, हम ये होटल में पहुंच चुके हैं एंड इसके बाद डायरेक्टली हम कुछ खाने के लिए चले गए. खाने की यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप जब भी कहीं पर भी जाओ आपको खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं. बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो 24 आवर्स खुले होते हैं. सो हमने ये बहुत अच्छे एक रेस्टोरेंट पे खाना खाया. उसके बाद हम जाने वाले हैं ग्लोबल विलेज, क्योंकि लास्ट टाइम न्यू ईयर था तो बहुत ज़्यादा क्राउड थी, हमें पार्किंग ही नहीं मिली और हम नहीं जा पाए. सो ये एक विलेज है जो एक्चुअली डिज्नीलैंड जैसा है. इसमें हर एक कंट्री का अलग से एक विलेज बना होता है जहाँ पे आपको उस कंट्री का खाना मिलेगा, शॉपिंग मिलेगी, उस कंट्री का क्लासिक डांस मिलेगा. सो बहुत एंटरटेनिंग है. मुझे लग रहा है कि आप पूरा दिन इस जगह पे स्पेंड कर सकते हैं. अराउंड 70-75 कंट्रीज़ हैं इसमें, बहुत बड़ा है. मुझे लग रहा हमने ना अराउंड 3 घंटे स्पेंड किए होंगे. जब हम एंटर करें इस साइड पे आपको इंडिया दिख रहा है तो हमने सोचा क्यों ना हमारी शुरुआत इंडिया से ही करते हैं. मैं ना कुछ चीज़ें खरीदना चाहती थी यहाँ से पर मेरी पसंद की मैंने कोई चीज़ मिली नहीं, पर या मेरे दोस्तों के लिए मैंने कुछ ईवल आई खरीदी यहाँ से, वो मुझे अच्छा लगा उनके घर के लिए. एंड वैसे मेरे पास सामान इतना ज़्यादा है कि वेट लिमिट होने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं शॉपिंग की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में जाके परेशानी हो वहाँ पे. एंड यहाँ हम ये विलेज में घूम रहे थे तो यहाँ पे ये फायरवर्क्स हो रहा है, तो हमने सोचा यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं कितना मज़ेदार न्यू ईयर वाली फीलिंग आई, दिवाली वाली फीलिंग आई. राइट, उसके बाद हम जब अंदर की तरफ आ रहे थे तो मैंने पंजाबी गाने सुने. मैंने कहा यार यहाँ पे पंजाबी गाने कहाँ चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखा तो ये यहाँ पे स्टेज बनी हुई है, यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं. और लकीली जब हम पहुँचे वहाँ पर पंजाबी डांस हो रहा था. और इसके बाद मुझे लग रहा है शायद राजस्थानी शुरू होने वाला था, मैंने वो भी देखा था थोड़ा सा, वो शूट नहीं किया मैंने. व्लॉग शूट करने के लिए लाइक इतना मैं फील नहीं कर रही थी क्योंकि इसीलिए मैं बोलना नहीं मैंने, इसलिए वॉइस ओवर हो रहा है. क्योंकि बहुत टायर्ड थे हम पहले पैक करके इधर उधर, लाइक अब मैं ना ट्रैवल करके थक चुकी हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने इंडिया में भी काफ़ी ट्रैवल किया है और इतना ट्रैवल मैंने पसंद भी नहीं है वैसे ना. तो यार अब मुझे लग रहा है मैं 5-7 सालों के लिए मेरी ट्रैवलिंग डन है. और यहाँ पे हम चाइना में चले गए, चाइना में मुझे लग रहा है कि इंडिया के पास ही था. और यहाँ पे भी एक खूब अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, काफ़ी लोग देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर. उसके बाद ये चाइनीज मार्केट में खिलौने बहुत ज़्यादा थे तो बच्चों को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर ना उन्होंने समझ भी नहीं आता क्या लें क्या नहीं लें. और ये खाना भी बन रहा है चाइनीज स्टाइल का, हमने मुझे लग रहा है कुछ स्ट्रीट फूड खाया होगा इंडियन सेक्शन से एंड देन हमने फ्रूट्स खाए थे यूएई से, अब मैंगो खाए और पाकिस्तान जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. सो पाकिस्तान में मुझे शॉपिंग की चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इतने मज़ेदार लिश्कने सूट थे, चमचम करते. वैसे मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें इंडिया जैसी सेम ही थी, पर यार ये सूट का फैब्रिक मुझे बहुत मज़ेदार लगा. और यहाँ पे भी परफॉर्मेंस हो रही थी और कोई गज़ल गा रहे थे, बहुत ही मज़ेदार, इनको सुना मैंने. तो I like the way that you're thinking, but I
उसके बाद ये फैब्रिक देखें आप, इतना तो पार्टी वेयर मज़ेदार सूट बनेंगे ना अगर आप लेना चाहें तो अच्छा है ये। ज्वेलरी भी है और जो भी पाकिस्तान की खास चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद हम UAE में बैठ के थोड़ी देर हमने फ्रूट्स खाए और इनका परफॉर्मेंस देखा। परफॉर्मेंस पता नहीं ये कर रहे हैं या वार्म अप हो रहे हैं, आई डोंट नो। भंगड़े वाले तो कितना उछल उछल के पाते हैं, ये थोड़ा तैयारी कर रहे हैं शायद। और हस्बैंड ने दोबारा से लिया है सर पे बांधने वाला हबीबी, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने लिया था वो हस्बैंड के भाई ने रख लिया, तो हमने सोचा कि एक ऐसी भी यादगार ले जाते हैं हमारे साथ। और ये देखिए इंडिया का सेक्शन काफी ज्यादा बड़ा है। ऐसे तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो काफ़ी बड़ी है, पर मुझे लगा है इंडिया का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा उन्होंने दिया है इंडिया को। ये ओवरव्यू एक बार फिर से देख सकते हैं। हिम्मत ये टर्किश आइसक्रीम लेना चाहता है क्योंकि बड़ा मजा आता है लोग जब कर्ली बेचारे ने ले ली फिर ठंड पाएगी उसको। ये मुझे लग रहा है कि आइसक्रीम अराउंड $15-20 की है, क्योंकि ये परफॉर्म करके दिखा देगा ये, तो इसीलिए इन्होंने इतनी महंगी रखी है। सो ये है UAE, यहाँ पे भी आपको फ्रूट्स का कितना बड़ा सिलेक्शन मिलेगा। मुझे मैंगो खाने के लिए बहुत मन था और ये बंदे ने कहा कि मैंगो बहुत मीठा है, पर मैंगो बहुत मीठा नहीं था, बट या ठीक था। पर यहाँ कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना ये फ्रूट्स वाला सेक्शन। और ये एक लेडीज़ क्लासिक तरीके से अपना खाना बना रही हैं, लेकिन इंडिया में भी ऐसे बंदे ना जब हलवाई बैठते हैं तो बड़ा वधिया लगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट शो हो रहा था, लाइट डांस, और वो मैंने और हेमंत ने बैठ के देखा। थक गए थे हम घूम के अब देख लेते थोड़ी देर, और अब हम काइंड ऑफ डन है और हम घर की तरफ रवाना होंगे। हिम्मत अंधे ही सो गया, बहुत थक गया सी, और मैं भी सो गई। मैंने आपको ना रूम का व्यू नहीं दिखाया, रूम कैसा था, बहुत अच्छा था। हम यहीं पर रहने वाले हैं 2-3 दिन, और ये हमारे रूम से दुबई का व्यू है। ये जुमेरा में है होटल, क्योंकि इस ये साइड हमने देखने गए हैं तो इस बार ये देखेंगे। आज है अगला दिन, आज हम जाने वाले हैं फ्यूचर म्यूज़ियम देखने के लिए, क्योंकि फ्यूचर म्यूज़ियम हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था क्योंकि वह फुली बुक था आने वाले 2 हफ्तों के लिए। सो हस्बैंड ने उसी समय बुक कर लिया था फरवरी में, ताकि हम देख पाए, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे। लुक एट दिस रिंग, ये म्यूज़ियम है एक्चुअली, और कितना अद्भुत एंड डिफरेंट है ना, तो हमें था कि ज़रूर से देखना चाहेंगे एक बार। या देखने के लिए जा रहे हैं अभी ये, पर हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो हमने सोचा पहले चाय पानी पी लेते हैं, कुछ भी खा के नहीं आए हैं हम रूम से। सो हमने क्या किया कि यहाँ से कॉफ़ी एंड थोड़े स्नैक्स खा लिए। ये होटल था बिल्कुल म्यूज़ियम के सामने। आज वैलेंटाइंस डे है तो यहाँ पे खूब सारी डेकोरेशन हो रखी है फ्लावर्स की एंड खूबसूरत। ओके वी आर डन, और अब हम जल्दी से जाके म्यूज़ियम की लाइन में लग जाएंगे ताकि लेट ना हो जाए। उन्होंने कहा कि अपने टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाए। ये म्यूज़ियम देखो कितनी सोनी बिल्डिंग है ना, कितनी यूनिक है ये। और आजकल मुझे ना साईफाई में इंटरेस्ट भी बहुत है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये म्यूज़ियम देखने के लिए। सो यहाँ पे आपको बेड मिल जाएंगे अपने लिए,
बैंड्स को पहने एंड अपना सफ़र शुरू कर लें। एंड सबसे पहले ये आई थिंक ये म्यूज़ियम 10 डिफरेंट लेवल्स का है। सबसे पहले ये आपको लेके जाएंगे स्पेस में, मतलब धरती तो काट के आपको स्पेस में ले जाते हैं। उसके बाद आपको ये स्पेस वाली चीज़ें दिखाते हैं बहुत सारी। हिम्मत बहुत एक्साइटेड था। एंड देन सेकेंड लेवल पे रॉबोट्स हैं, कार्स हैं, ऐसा कई कुछ है। एंड तीसरा है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, कि जब आप इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ दिमाग आपका ख़राब हो जाए ना, तो कैसे आपने आपके साथ रिकनेक्ट करना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी ना जो उन्होंने बनाया है ये पिंक स्मार्ट फोन, एड्रेस चल रहा है। Ecosystems, whether they belong in the desert, in the forest, in the oceans, as well as Arctic. So we can monitor their progress as well as find out how they're affecting the environment as well as the surroundings around them. Thank you.
ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपको हर एक स्पीसीज़ मिल जाएगी जो भी धरती पे है, एंड ये अट्रैक्टिव लगा मुझे काफ़ी। और इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, और सब कुछ है, सारा कुछ। ये इंटरेस्टिंग था, और देखने में कितनी अच्छी वाइब है ना इसकी। दिस वॉज इंटरेस्टिंग। हिम्मत रिट्रीट कर रहा अपना, लोगों ने बह गया किसी होर टोले में रल गया ये, और देख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, वैसे करने की कोशिश कर रहा है। Hello human, salam alaikum, welcome to the museum of the future. How are you doing? I'm great, thank you. Happy to see you here at the museum of the future. I'm glad to see you. It is nice to meet you too. I hope you're having a good time here at the museum. Do you want to ask her? Why are you here? I'm great, thank you. I'm so happy to see you here at the Museum of the Future. I'm here with my son, you know. Some things should remain mysterious or the future will become boring. I think you are pretty great too. Okay, let's go. Which is worse, the agony of never getting the answer or living with an uncomfortable truth? Why are you so smart? I'm great, thank you. So, end of the story. जितनी मैं excited थी इस म्यूजियम को लेके कि पता नहीं कि over like out of this world होने वाला है, वैसा कुछ नहीं था, ठीक ठाक था। दोबारा मैं जाना चाहूँगी नहीं, पर अगर आप जाना चाहते जा सकते, पर अड्डा भी कोई लाइक बहुत मज़ेदार नहीं होगी, वो बहुत मज़ेदार ठीक ठाक था। Is it? Yeah, so you can do the registration if you want, and he can go inside without the parents and observe what is there inside. But can we go? Or no? Okay. Okay. इसके बाद म्यूजियम से हम डन हो गए। अब हम खाने के लिए जाएंगे बाहर, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है। सुबह से दोपहर हो चुकी है और हम खाने वाले हैं लेबनीज फूड। और लेबनीज खाना बहुत अच्छा लगता है हमें, एंड यहाँ पे तो आपको बेस्ट लेबनीज मिलता है। तो हमने लिए है फलाफल, चिकन का प्लेटर लिया है, एक नॉन वेज का प्लेटर लिया है, और एक चिकन बिरयानी भी ली है।
हमने पेट भर के खाना खाएंगे और उसके बाद हम जाने वाले हैं अटलांटिस। आज हमारा मन है कि सारा दिन वहीं पे स्पेंड करें, हिम्मत वाटर पार्क में एंड ऑल। There's no one around for miles. They left me here in the dust. They're actually all right next to me. ज़्यादा शूट नहीं किया है मैंने, बट या आज वाला दिन हमने सारा वहीं पे स्पेंड किया। उसके बाद ओके, अपनी गाड़ी को पार्क करके आपको इस बस सी में जाना पड़ता है वो वाटर पार्क में। काफ़ी खूबसूरत है ये। सब शाम हो चुकी है और अब हम चले गए हैं मरीना बीच पे। यहाँ पे हमने ना चीज़ केक फैक्ट्री से खाना खाया था, वो मैंने शूट नहीं किया है या मैं से वीडियो मिस हो गई है। अच्छा था, पहली बार हम चीज़ केक फैक्ट्री में गए, हम कनाडा में कभी भी नहीं गए हैं। हम लोग आए हैं दुबई मरीना बीच पे, बहुत ही ज़्यादा रौनक मेला है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे। तो सुबह हमने जो खाना खाया था इतना ज़्यादा खा लिया था कि पेट में जगह नहीं है अभी तक। तो कुछ लाइट खाएंगे, देखते हैं क्या खाते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि हमने क्या खाया है। खाने की ऑप्शन इतनी ज़्यादा है, क्वालिटी फूड की बहुत मस्त है। मुझे लगता नहीं कि हम किसी भी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ का फूड हमें अच्छा ना लगा हो, सारे ही बहुत अच्छे हैं। हाँ। और उनका मेन्यू होता तो ही ना, हर पेज हर Yes. How are you? Welcome to Dubai. You come from where? Come from India. You live in India or live in another country? Huh? India, India. India only, not just in US, Canada, British, no? No, no, only India. Only India, okay. What? If you stay in the US, Canada, British, I have a gift. Gift? Thank you. सो क्या बोल रही थी मैं, एक बंदा आ गया पति नुकाल में चलने का ना, लेकिन एट रहने तो घर के लिए ओके ओके तो डर रही है एजेंट रियल एस्टेट। ओके बाय द वे गाइस, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं ना कनाडा में तो पति को कांटेक्ट कर सकते हैं। कैलगरी में, कैलगरी में दिलाएंगे, अल्बर्टा में। ओके सो क्या बता रही थी मैं कि हाँ, हम कल एक रेस्टोरेंट में गए, 24 घंटे खुला रहता है। दूसरी चीज़ थी कि हर एक पेज डिफरेंट कॉन्टिनेंट का खाना था, कोई एशिया कोई यूरोप, इतना बड़ा मेन्यू होता है ना, पता नहीं कैसे। मैंने जितने भी देशों में गए ना, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी देश का खाना बेस्ट क्वालिटी बेस्ट। और अगर आप कनाडा एंड यूएस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हो तो आपको प्राइस भी अच्छी लगेंगे, महंगा नहीं है वहाँ। कंपेयर करें अगर उन देशों के साथ तो प्राइस बहुत अच्छे हैं एंड आपको चुभेंगे नहीं, और जब खाएंगे तो मज़ा आएगा। ओके दोस्तों, सो आज है नया दिन। आज हम रात को अराउंड 12-1 बजे हमारी फ़्लाइट है, और आज हम सारा दिन बाहर स्पेंड करने वाले हैं, और हम चेकआउट करेंगे अराउंड 12-1 बजे। और अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई परांठा किंग करके रेस्टोरेंट है, तो हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से खा ले। खाना हमें अच्छा लगा, पर ये खाने ने हमें ख़राब बहुत ज़्यादा किया। इसके बाद हमारी 14 घंटे फ़्लाइट थी रात को। Guys, we're gonna eat paratha from Paratha King today. Are you eating paratha? I'm eating paratha.
because our pranta is coming now. Or are you eating something else? Pranta. Rajma rice. No pranta. This is called rajma. ओके सो ये खाना खाने के बाद ना हमारा पेट वेट कुछ ख़राब हो गया था लाइक अच्छा नहीं था फूड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें. ओके सो ये दुबई का व्यू खूबसूरत लग रहा है राइट. सो आज वाला जो इवनिंग है वो हम स्पेंड करेंगे बुर्ज खलीफा में. अरमानी रेस्टोरेंट है, हमने सोचा हमारी कॉफ़ी एंड स्नैक्स यहाँ से खाएंगे, उसके बाद दुबई मॉल घूम लेंगे एंड देन हम डायरेक्ट जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ. ये अरमानी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था. एंड काफ़ी समय हमने यहाँ पे स्पेंड किया और यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हैं बाहर का, जब बुर्ज खलीफा के बाहर वो होता है ना फाउंटेन, म्यूज़िक फाउंटेन शो होता है जो, वो यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है आपको, अलग सा व्यू है क्योंकि लास्ट टाइम हमने अदर साइड से देखा था, इस बार हमने इस साइड से देखा. थोड़ा समय स्पेंड करने के बाद अब हम जाने वाले हैं दुबई मॉल. दुबई मॉल में मैंने बहुत ज़्यादा शूटिंग किया है. मज़ेदार था एंड बोरिंग था क्योंकि मुझे शॉपिंग मॉल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं. अब नेरा हो चुका है, अब हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ. These little songs make me glad to call you mine, and you have got my head in the clouds. और काफ़ी नेरा हो चुका है, ये लास्ट बुर्ज खलीफा देख लें आप एंड अब हम जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ. सो फाइनली घर जाने का समय आ चुका है, हम फ्लाइट में बैठ गए हैं. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मेरे घर में जाने के लिए. लाइक ट्रैवल के साथ मेरा पूरा डन है, आई एम डन, आई एम नॉट कमिंग लाइक फॉर मिलियन मोर ईयर्स नाउ. अन्ना को मिलिया ना मैंने. So yeah, car pahunch gaye home sweet home. Staying home when you're working late again. Quiet phone, it's already 10 p.m.